कभी कभी कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन करता है तो उस केस में बनाइए ये मोटी वाली मिर्चें, बिल्कुल भरवा करारी और बहुत ही लाजवाब बनी है, और कुछ खास मसालों के साथ। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, मिर्ची फ्राई के आगे सब्जी भी बेकार लगेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम के लगभग साफ सुथरी, ये देखिए एकदम एकसार मिर्चें लिए हैं, मोटी वाली मिर्चें हैं। सिर्फ इन्हें अच्छे से पानी से धो लेंगे, उसके बाद किसी कपड़े या टिश्यू पेपर से बिल्कुल इसको ड्राई कर लेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल क्योंकि बिल्कुल नहीं करना। अभी डंडी बहुत ज़्यादा लंबी है तो मैंने थोड़ी थोड़ी कट कर दी है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कट कर दीजिए। उसके बाद हम इसके अंदर बीच में से बस एक एक चीरा लगा देंगे, क्योंकि हमें ना तो इसमें मसाला भरना है, बहुत जल्दी बन जाने वाली मिर्च है। और एक बार अगर आप मिर्च फ्राई की रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगे ना, तो उसके बाद आप इसके साथ जो है ना वो भी खाना पसंद नहीं करेंगे जो पूड़ी वगैरह लोग खाते हैं, या मतलब सब्जी, आपको ये मिर्च वाली सब्जी इतनी अच्छी लगेगी कि पूड़ी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, आप हर बार ये मिर्ची फ्राई बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के लगभग सरसों का तेल लिया है, ये मिर्ची फ्राई की रेसिपी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। 1/2 चम्मच इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डाल देंगे। कुछ खास मसाले ऐसे हैं जिससे सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 छोटा प्याज जिसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। प्याज का चॉप करके डालेंगे और उसको अच्छे से सुनहरा होने तक भूनते रहेंगे। जब 3-4 मिनट हो जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर और प्याज का कलर चेंज हो जाएगा हल्का ट्रांसपेरेंट, तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन हमें नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच बेसन से ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब बेसन डालने के बाद भी हम इसे 15-20 सेकंड तक अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि सब्जी के अंदर खूब अच्छी खुशबू भी आ जाएगी और बेसन से कंसिस्टेंसी आएगी। अब डालेंगे थोड़े मसाले, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने सौंफ का बारीक पिसा हुआ पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च डालना पूरी तरह ऑप्शनल है क्योंकि मिर्च की सब्जी है, पर अगर तीखा खाते हैं तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आएगा। बस अच्छे से सारे मसालों को हम भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो फटाफट से हमने मिर्चों को चीरा लगा के रखा है ना, वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने सारी मिर्चों को इसके अंदर मिक्स कर लिया है। बस हमारी बहुत बढ़िया मिर्ची फ्राई तैयार हो जाएगी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, पहले हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें और इसके ऊपर थोड़ा सा लिपटवा कर दें। उसके बाद हम इसके अंदर 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें काला नमक डाला है और 1/2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर नॉर्मल नमक डाला है। दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा मिर्ची फ्राई का टेस्ट आएगा। अब हमें इसमें और मसाले नहीं डालने, लेकिन अभी ये मिर्ची फ्राई खट्टी नहीं है, और अगर आप मिर्च फ्राई की सब्जी बना रहे हैं और उसमें अगर खटास नहीं होगी ना, तो उसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आप खटाई के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, दही, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस या विनेगर, लेकिन आज मैंने इसे अमचूर पाउडर से बनाया है जो कि घर में इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन पहले हम इन्हें 2-3 मिनट तक हल्की गैस पर पका लेंगे। मसाला नीचे से जले नहीं, इसके लिए मैंने इसके अंदर 1/4 कप के लगभग पानी डाला है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पानी को हमें बिल्कुल ख़त्म करना है जब तक इसमें से ऑयल पूरा रिलीज नहीं हो जाता। अभी आप देखिए, ये देखिए 3-4 मिनट मुझे पकाते भी हो गए और पानी बिल्कुल ख़त्म है और ऑयल कितना अच्छी तरह से इसमें निकल रहा है और मिर्चें हमारी लगभग काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। बस अब हम इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे, लेकिन अभी हम इसके ऊपर डालेंगे इन मिर्चों को खट्टा अच्छा चटपटा टेस्ट देने के लिए अमचूर पाउडर। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप इसकी जगह नींबू का रस या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नींबू का रस इस्तेमाल करें तो गैस बंद करने के बाद नींबू का रस डालें, वरना मिर्चों का टेस्ट थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा। बस अच्छे से अलट पलट कीजिए और हमारी बहुत बढ़िया मिर्ची फ्राई तैयार है। अभी मैं इसे 1 मिनट तक ढककर और पकाऊंगी, ताकि अमचूर का सारा फ्लेवर मिर्ची फ्राई के अंदर आ जाए। बस हमारी बहुत बढ़िया ज़्यादा 5 मिनट में बनने वाली मिर्ची फ्राई तैयार है, और ये हर चीज़ के साथ आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, टिफिन में दीजिए, या खिचड़ी के साथ खाइए, सब चीज़ों के साथ। सफ़र में जा रहे हैं तो पूरी पराठे के साथ लेकर जाइए, बहुत बढ़िया लगेगी। देखिए कितनी अच्छी मिर्ची फ्राई बनके तैयार हुई है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।